से मैं 3 सवाल पूछ लूंगा, अगर आप जवाब दे दोगे ना हैं तो मैं आपको 1000 पे दूंगा। गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता दो आप। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था, मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग सब बोर्डों की आ गई, हमारे बोर्ड की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, तो मैम हमारे ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा वो कर दो। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि यूपीएससी क्लियर करने, आपको 1 साल में करना है तो 10-12 घंटे से कम तो पढ़ना पड़ेगा नहीं। जो बच्चे पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल चलाना एक अलग बात है, लेकिन आप मोबाइल का यूज किस में कर रहे हो वो बात अलग अलग डिपेंड करती है ना। क्या लगता है कि अपने घर से अप डाउन करके पढ़ना चाहिए या मुखर्जी नगर आके सेटल होके पढ़े? नहीं, एक बार तो आ ही जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपके दोस्त 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3रे अटेम्प्ट की में भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बाकी यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में पहले से कुछ बोला नहीं जा सकता। क्या लगता है, कोचिंग अच्छी होती है, सेल्फ स्टडी अच्छी होती है? मुझे लगता है थोड़ा गाइडेंस जरूरी है, कोचिंग। 1 साल का अगर 1 अटेम्प्ट देने के लिए कितना खर्चा आ जाता है यूपीएससी के लिए? कोचिंग का फी अगर देखा जाए तो 2 लाख के राउंड आ ही जाता है। 2 लाख का 1 साल का। हाँ। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे उठ जाते हैं और सोते कब हैं? 12 बजे। तो इस पूरे टाइम में पढ़ते ही है सब या फिर घूमने फिरने कुछ करते हैं? सब कुछ। कितना खर्चा आता है क्लियर करने? 5 लाख होता है मैम पूरा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस वगैरह यूं ही निकल जाते हैं। सबसे पहला काम मन में क्या सोचा है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद मैं ये करूंगा देश के लिए? सिस्टम को सुधारूंगा मैम। पहले जैसे यहाँ मुखर्जी नगर मैम शिक्षा के नाम पर दंगा हो रहा है मैम। आपको 5 लाख कहाँ पे खर्च हो गया आप ये तो बताओ? आप सुनो, जो बात है ना वो हकीकत बताया करो, कोचिंग को बदनाम मत करो। हमारे दिल्ली पुलिस के नाम के दिल्ली पुलिस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसी जगह पर है जो कि किताबों और बच्चों के लिए बहुत ही फेमस है। ये जगह है दिल्ली का मुखर्जी नगर। यहाँ अगर आपकी नजरें चारों तरफ जाएंगी तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किताबें और पढ़ने वाले बच्चे नजर आएंगे। कहा जाता है यहाँ पर बच्चे मौज मस्ती के लिए भी आते हैं और कुछ लोग यहीं से निकल कर अपनी जिंदगी के उन मुकामों को पूरा कर लेते हैं जिनके लिए वो कई सालों से मेहनत करते हैं। आज उसी जगह पर हम मौजूद हैं, अलग अलग बच्चों से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक सिविल सर्विस एग्जाम को तैयारी करने में कितना समय लगता है, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में पड़ाव आते हैं, क्या कुछ वो लोग तैयारियां करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ आज मुखर्जी नगर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और बच्चों से बात करके ज़मीनी सच्चाई क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की पहला एग्जाम है या पहले दिया हुआ है? पहला है। पहला है तो अभी मुखर्जी नगर आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लिया या नहीं किया? अभी नहीं किया, कल तो आया हूँ मैं, आज देखने के लिए आया था। आज देखने के लिए आए, इससे पहले कभी मुखर्जी नगर आए हैं? नहीं। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्यों? देख लो, आप खुद ही देख लो। आप बताओ आपको क्यों बेकार लगा हरियाणा से दिल्ली आकर? आप कह रहे हैं बेकार है। बेकार है बस, खाना भी अच्छा नहीं है, रोड सब कुछ बेकार लगा। खाना अच्छा नहीं है? तो वहाँ से यहाँ दिल्ली ट्रेवल करेंगे, यहीं कहीं रूम लेने वाले हैं? रूम लेने वाले हैं, यहाँ पुरली साइड लेंगे हम। लेने वाले हैं? हाँ। गए देखने के लिए? हाँ। कितना रूम का रेंट है यहाँ? सस्ता है, वहाँ पुरली साइड है, गांधी विहार में। 5000। 5000 है। अभी ले लिया रूम आपने? हाँ लेंगे, आज लेंगे। अच्छा, और कोचिंग? कोचिंग कल लेंगे। कल लेंगे। हाँ। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले? हाँ, हैं। हाँ। क्या लग रहा है, क्लियर कर लेंगे? हाँ। कर लेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विसेज की? नहीं मैम, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था, मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ग्रुप डी में हो गया सिलेक्शन जी? फिर क्या हुआ? तो सर हुबली बोर्ड से हुआ मेरा सिलेक्शन, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग सब बोर्डों की आ गई, हमारे बोर्ड की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। पता नहीं, हम उनसे पूछते हैं ना। समय पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई? क्लियर मार्च में हो गया था। मार्च में हो गया था, काफी समय हो गया वैसे। बाकी सब बोर्डों की ज्वाइनिंग हो गई है। हाँ। लेकिन हमारा बोर्ड की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कहाँ से आपकी ज्वाइनिंग होनी है? हुबली में होनी है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हुबली में होनी है। और यहाँ पर कैसे? यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए भैया रहते हैं, उनके पास आया था। जो प्रिपरेशन आपने करी वो मुखर्जी नगर से ही करी क्या, पढ़ाई और? ना, मैंने वहाँ पे करी थी, मुरादाबाद रह के। मुरादाबाद में की थी? यहाँ तो घूमने के लिए आया था। यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल। तो मैम हमारी ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा। हाँ। वो कर दो। अच्छा। कि हम उनसे पूछते हैं ना, आईटी के थ्रू जवाब मांगते हैं, तो कहते हैं सीट वैकेंट नहीं है। 2019 में फॉर्म भरा गया, 5 साल बाद पेपर हुआ, वो हुआ, अब भी एक सीट वैकेंट खाली नहीं है, जब खाली होगी तो बुला लेंगे। अच्छा, खाली होगी तो बुला लेंगे, ये बोलते हैं। क्या
चलिए ये तो जवाब आपको सरकार ही दे पाएगी, इनके सवालों का जवाब जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा ताकि रेलवे का जो भी है इनका लग जाए। आप भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस में? कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मैंने दृष्टि से की है। दृष्टि से कर ली? यस मैम। कितने महीने पढ़ाई करी वहाँ पर? उसमें लगभग 18 महीने। 18 महीने। अच्छा तो क्या लग रहा है अब एग्जाम का? आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर हो जाएगा पक्का। अच्छा कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक यूपीएससी क्लियर करने के? ज्यादा नहीं, लगभग कंटिन्यूटी बनाए अगर 10-12 घंटे तक पढ़ना पड़ता ही है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, और वो अपने डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, 1 साल का है, 2 साल का है, उस पर डिपेंड करता है ना। आपको 1 साल में करना है तो 10-12 घंटे से कम तो पढ़ना पड़ेगा नहीं। आपको 2 साल का है तो कम से कम 8 घंटे जरूरी है। अच्छा तो क्या लगता है जो बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं यहाँ रूम लेकर सेपरेट, वो सही है या अपने घर जाना फिर आना और डेली अप डाउन करना वो सही है? देखिए अगर मुखर्जी नगर में ही रहकर पढ़ते हैं तो थोड़ा उसके एक बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आप क्लास लेने के बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा, लेकिन आप अगर डेली अप डाउन दूर से करेंगे, जैसे यहाँ से संगम विहार वजीराबाद है तो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आने जाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उससे बच सकते हो। बच सकते हैं। बताइए कितना पैसा खर्च हो जाता है एक यूपीएससी क्लियर करने के दौरान, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट का? अगर आप कोचिंग करते हो, कोचिंग बताइए पहले आप कौन से कोचिंग से? कोई भी। अगर आप दृष्टि से करते हो तो लगभग 2 लाख की समथिंग उसकी फीस ही है। 1 महीने की? नहीं 1 महीने की ना, पूरे सिलेबस की। पूरे सिलेबस जी, फाउंडेशन बैच की। तो यानी 2 लाख रुपए एक बच्चे पर खर्च होता है? हाँ समथिंग लगभग। और अपना डिपेंड करता है अपने ऊपर, उस क्या खर्च करते हो आप, कितना करते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बार तो आपने एग्जाम दे लिया है? दे दिया है एग्जाम? नहीं इस बार दूंगा। इस बार दोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या कौन सा? फर्स्ट ही होगा। तो क्या लग रहा है, क्लियर हो जाएगा आपके इंशाल्लाह? कॉन्फिडेंस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह उठ जाते हैं 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं जी। रात को कितने बजे सोते हैं? लगभग 1 बजे 12 बजे समथिंग सो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और 1 बजे सो जाते हैं? लगभग 5-6 घंटे की नींद मिनिमम और इतनी होती है, इससे अगर आप कम लोगे तो सही से कंसंट्रेट कर नहीं पाओगे आप, तो नींद भी जरूरी है। अच्छा तो ये जो बच्चे पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल चलाना एक अलग बात है, लेकिन आप मोबाइल का यूज किस में कर रहे हो, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, वो बात अलग अलग डिपेंड करती है ना। सोशल मीडिया से आपको बचना चाहिए, उससे बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया पे नहीं है? है थोड़ा बहुत चलाते हैं, ज्यादा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। तो देखिए सोशल मीडिया ना चलाएं, यूपीएससी वाले बच्चों को एक ये हिदायत दे रहे हैं कि जो भी यूपीएससी में है वो सोशल मीडिया से थोड़ा बचे, कहीं ना कहीं जो माइंड कंसंट्रेशन होता है माइंड का वो डाइवर्ट करने का काम करता है सोशल मीडिया, है ना, ये बताना चाह रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? दो दे चुके हैं। कितनी मेहनत लगती है एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए? काफी समय लग जाता है और पेशेंस की जरूरत होती है। अच्छा बच्चे जो पूरा दिन तो कोचिंग में ही बीत जाता है? 2 साल कोचिंग में। कितना पढ़ना पड़ता है? 6 से 7 घंटे अगर रेगुलर स्टडी की जाए कंटिन्यूटी तो हो जाता है क्लियर। अच्छा अगर कुल बता दिया जाए एक फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए, क्लियर ना भी हो पर देने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और कितना पैसा खर्च होता है? कम से कम 2 साल पैसा तो मान के चलिए 1 महीने में 15 से 20 हज़ार अगर सही से जीवन स्तर दिल्ली में यापन कर रहे हैं तो। हाँ। अच्छा क्या लगता है कि अपने घर से अप डाउन करके पढ़ना चाहिए या मुखर्जी नगर आके सेटल होके पढ़े? नहीं एक बार तो आ ही जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि बिना क्या कहते हैं वो गाइडेंस के भटकाव की स्थिति हो जाती है, इस वजह से एक अच्छा, बार सेल्फ स्टडी करना कितना अच्छा है मुखर्जी नगर से? सेल्फ स्टडी अगर आपका बेस बना हुआ तब ठीक है, अगर बेस नहीं बना हुआ आपको लग रहा है तो एक बार एक डेढ़ साल यहाँ पे दो हाँ तब क्लियर हो जाएगा। हाँ तब बेस बन जाता है, फिर उसके बाद आप न्यूज में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हर चीजें मतलब आपको समझ में आने लगती है, नहीं तो भटकाव की स्थिति बनी रहती है। अच्छा एक चीज और बता दी, ये पूरा मुखर्जी नगर है जहाँ ढेरों सारे कोचिंग सेंटर है, लेकिन क्या लगता है या अब माहौल पहले से खराब हो गया है या अब अच्छा है, स्थिर है? नहीं ठीक है, ढेरों सारे इंस्टीट्यूट हैं तो आपस में कंपटीशन होता है, अगर एक ही होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो ढेरों एक प्रकार से पॉजिटिव वे में ठीक ही है। अच्छा आपने दो अटेम्प्ट, पहले एक बार दृष्टि ही था अब संस्कृति खुल गया तो कंपटीशन है दोनों में, कंपटीशन है दोनों में। अच्छा अभी आपके दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीसरे अटेम्प्ट की में भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा क्लियर? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बाकी यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में पहले से कुछ बोला नहीं जा सकता। क्या नाम है सर आपका? यश कुमार। सर कब से तैयारी कर रहे हैं आप? जस्ट अपीयरिंग है, अभी आए हैं। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा मेहनत बहुत करनी पड़ती है यूपीएससी के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं आजकल? बस क्लास के अलावा जितना टाइम बचा सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में क्या लगता है कोचिंग अच्छी होती है सेल्फ स्टडी अच्छी होती है?
मुझे लगता है थोड़ा गाइडेंस जरूरी है, कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए में भी जरूरी होगा या जो पांच या छह अटेम्प्ट, मतलब जस्ट आपको एक बार किसी न किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो आपको एक बार गाइडेंस लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, गाइडेंस लेना चाहिए फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितना, अगर पूरा बात करूँ पैसों की बात करूँ, एक साल का अगर एक अटेम्प्ट देने के लिए कितना खर्चा आ जाता है एक यूपीएससी के बच्चे? मोटा मोटी कोचिंग का फी अगर देखा जाए तो 2 लाख के राउंड आ ही जाता है। 2 लाख का एक साल का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका ऑप्शनल होता है, जीएस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 2 लाख के राउंड खर्च आ जाते हैं। और यहाँ रहने का तो बहुत ज्यादा खर्च है, आपको तो पता ही है रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा रहने का कितना आ जाता होगा? रहने का मंथली आप 15 से 16 हजार के राउंड मान सकते। खाना पीना इंक्लूडेड है? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 5 अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, 6 अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ लगता है जो उनका क्लियर नहीं हो पाता 5 अटेम्प्ट जी? इसमें इस एग्जाम में थोड़ी सी टाइमिंग लगती है क्रैक करने में, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है तो किसी किसी को टाइम लगते हैं, किसी किसी को टाइम नहीं लगते हैं। तो अच्छा सर एक चीज और बताइए, मुखर्जी नगर है यहाँ तो इतने सारे स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ के माहौल की बात करें तो कैसा माहौल है आपके हिसाब से? माहौल और अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए? पढ़ाई के मामले में ये बेस्ट जगह है, इस मामले में कोई भी यहाँ पे किसी तरह का नहीं बोला जा सकता है कि माहौल पढ़ाई के मामले के लिए अच्छा है। और जो भी कोचिंग है गाइड सबको बहुत अच्छे करते हैं, जितने भी टीचर्स हैं अपने अपने अकॉर्डिंग सबको का गाइडेंस अच्छा है। अच्छा गाइडेंस करते हैं बिल्कुल, यहाँ हर कोचिंग अपने आप में अच्छा है। बिल्कुल सब यूनिक है, क्योंकि सब टीचर अपने में बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट एक कोचिंग के अलावा दूसरे कोचिंग में जा नहीं सकता है क्योंकि इतने ज्यादा फी है। और जो भी और जितने भी कोचिंग से आप रिजल्ट देखिएगा तो हर जगह का रिजल्ट अच्छा है यहाँ पे, सबका रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीट्स बहुत कम है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। एक 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 एग्जाम को क्लियर करने के लिए करीब कितने बच्चे देते हैं कॉम्पिटिशन? इसमें तो लगभग बोल सकते हैं कि 10 लाख के राउंड में मोटा मोटी फॉर्म फॉर ईयर भराते हैं और 1000 सीट होते हैं। हाँ, बस बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या नाम है भाई आपका? अभय। अभय यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी? अभी अभी शुरू किया है। हाँ? कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं? अभी तो अटेम्प्ट नहीं होगी, अभी तो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो क्या सपना क्या देखा है, क्या कुछ बनना है आपको? यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी क्या करते हैं, आईएएस बनेंगे। आईएएस बनेंगे। कितनी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं। अच्छा सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे उठ जाते हैं और सोते कब है? 12 बजे। 12 बजे सोते हैं तो इस पूरे टाइम में पढ़ते ही है सब या फिर घूमने फिरने कुछ करते हैं? सब कुछ करते हैं, एंजॉयमेंट पूरा करते पूरा हैं। तो फिर ऐसे क्लियर कैसे कर पाएंगे? कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा ना है। हाँ। जरूरी थोड़े है कि जरूरी थोड़े है कि सिर्फ पढ़े हो, अपने भी तो खेलना कूदना भी तो बताता है। अच्छा कहते हैं सोशल मीडिया से दूर हो जाओ कमरे में। मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, कमरे बंद नहीं करना है, सोशल मीडिया पे तो नहीं हूँ, खेलो कूदो सब कुछ करो सब कुछ। हाँ। और अच्छा कितना पैसा खर्च हो जाता है आपके हिसाब से एक अटेम्प्ट पढ़ने के लिए क्लियर करने के लिए? वो अपने हिसाब से होती है सब कुछ, अब तो ऑनलाइन हो गई। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? नहीं मेरी तो क्लास चल रही है दृष्टि से। दृष्टि से क्लासेस ले रहे हैं? दृष्टि तो बहुत अच्छा कोचिंग है, पढ़ाई अच्छी कराते हैं। समझ आ जाता है? समझ आ जाता है बिल्कुल। अच्छा कोचिंग है। आपका भी नंबर आया। क्या नाम है आपका भैया? नाम मेरा मानव सिंह नाम है। आप क्या बोल रहे हो? मतलब सुनो दृष्टि बहुत अच्छे कोचिंग है। अच्छा नहीं है? इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 600 बच्चों में आप पढ़ लोगे, आप इंटरव्यू सुनो। हाँ। आपको मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 600 बच्चों में आप पढ़ लोगे, आप अपना अटेंड निकाल दोगे? हाँ। बताओ। नहीं निकाल पाओगे? निकाल दोगे हैं? बहुत सारे बच्चे दृष्टि यहाँ से सुनो, दृष्टि यहाँ से अब करोल बाग जा रही है, ये तो बच्चों के साथ में घूमना है ना। एडमिशन आप यहाँ पे ले लो ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे के रास्ते दे दो, ये तो घूम रहे हैं ना। अच्छा कितना समय लगता है एक बच्चे को पढ़ने में और यूपीएससी करने में? 16 महीने की तैयारी होती है। हाँ। उसके अंदर मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, उसके अंदर मेरी भांजी है, मैंने खुद अपनी भांजी का एडमिशन करवा रखा है। अच्छा ठीक है, तो मैम देखो ये तो सिर्फ सब्जेक्ट मिलते बस ठीक है, आपको पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे मगर आपको ऑब्जेक्शन वाले कोई भी नहीं मिलेगा। आपसे मैं 3 सवाल पूछ लूंगा, अगर आप जवाब दे दोगे ना हैं, तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा। हाँ गोल गप्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता दो आप? तो नहीं पता। बोलो मैडम।
जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलेबी को भी नहीं पता, बताओ। नहीं पता? आप बताओ ना, आप बताइए। मैडम अगर ये सवाल मेरे पास होते ना, आज मैं आईएएस ऑफिसर होता। यूपीएससी कर रहे हैं? यस मैम। कितना समय हो गया पढ़ाई करते हुए? 12 महीने। 12 महीने हो गए। कितना पढ़ते हैं? 8 से 10 घंटे। 8 घंटे पढ़ लेते हैं? तो 8 घंटे लगातार पढ़ते हैं या थोड़ा बीच में गैप भी लेते हैं? गैप लेते हैं। क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कहते हैं ज्यादातर बच्चों को बेसिक जो है वो मतलब यूपीएससी के लिए बेसिक मैम प्रिपरेशन से पहले मैम बेसिक कंप्लीट करके आना होता है। मैम एनसीईआरटी वगैरह 2 से 3 बार रिवीजन करना होता है उसका, उससे तैयारी से पहले। तो पूरा रटना पड़ता है या दिमाग में उसको? दिमाग में बिठाना पड़ता है मैम पूरा। 6 से 8 महीने पहले उसको पढ़ना होता है, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए मैम 18 महीने की कोचिंग देते हैं मैम समथिंग। 18 महीने से पहले कोचिंग होता है यहाँ पे भी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि यूपीएससी क्लियर करने की अभी आप तैयारियां करें, कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा मैम, क्यों नहीं हो जाएगा। पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहा हूं। अच्छा, अभी तो बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे होंगे, किताबें भी नई नई परचेज करते होंगे। कितना खर्चा आता है क्लियर करने के लिए? बहुत सारा मैम, मतलब टोटली पूरा यूपीएससी का समथिंग 5 लाख होता है मैम पूरा। मैम 18 महीने 5 होता है मैम, स्टडी मटेरियल से फीस पीजी खाना पीना। ये खाना पीना सब आप नहीं लेते हैं? हाँ, पीजी भी आप में? हाँ मैम। तो पूरा दिन पीजी में ही रहते हैं क्या? नहीं मैम, लाइब्रेरी रहते हैं मैम 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी रहते हैं? हाँ। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, लाइब्रेरी का 8 घंटे होता है मैम। फिर उसके बाद में खाना खा पी के नाइट को भी 3-4 घंटे होता है लाइब्रेरी, तो वो 8 घंटे होता है लाइब्रेरी का। अच्छा, ये बताइए अगर जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ या आगे ऐसा कुछ हो जाता है, फिर क्या तैयारियां करेंगे या कुछ क्या सोचते हैं? ऐसे तैयारी के बाद मैम ऐसे नहीं है कि मैम पहले फर्स्ट चॉइस तो ही होती है कि अपना आईएएस निकले, उसके बाद जैसे मैम आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस वगैरह यूं ही निकल जाते हैं मैम, छोटी मोटी एग्जाम यूं ही मैम, वो तो बहुत। लेकिन हमने बहुत बार बच्चों को देखा है भाई 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं और हिम्मत आखिर तक नहीं हारते भाई, 8-8 अटेम्प्ट भी देते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई हमारे तो हमारा तो एग्जाम क्लियर हो जाए। वो बच्चे भी तो छोटी मोटी पोस्ट में सिलेक्शन का हो जाता है। हाँ हो जाता है मैम, और अच्छा इंसान बनता है मैम। ये जरूर नहीं है कि अपन यूपीएससी वाले आईएएस बने, अच्छे तैयारी के बाद एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है मैम, और बहुत सारी मतलब सेवाएं होती है जिनको आप दे सकते हैं। कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और फिर सबसे पहला काम मन में क्या सोचा है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद मैं ये करूंगा देश के लिए? सिस्टम को सुधारूंगा मैम। सिस्टम को सुधारेंगे? हाँ, क्या खराबी है सिस्टम? पूरा ही खराब है मैम सिस्टम। जैसे यहाँ मुखर्जी नगर मैम शिक्षा के नाम पर धंधा हो रहा है मैम, धंधा हो रहा है, धंधा ही है मैम। अब देखो एक गरीब छात्र मैम 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख 80 हजार, 3 लाख रुपए मैम, ये धंधा ही है मैम शिक्षा के नाम पर नहीं मैम। थोड़ा इतना इतना पैसा नहीं होना चाहिए मैम, इतनी फीस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे जितनी महंगाई है मैम बुक्स है मैम, कितनी महंगी आ रही है यहाँ पे, बहुत महंगी है। हाँ 3 लाख रुपए तो फीस का हो जाता है मैम, उसके बाद में फिर बुक्स वगैरह परचेज करोगे पीजी वगैरह के 10 से 12 हजार रुपए मंथली होता है पीजी का मैम, और फिर मैम एक्स्ट्रा खर्च भी होता है, ऐसे करके मैम समथिंग 5 लाख रुपए हो जाता है। 5 लाख रुपए? हाँ सुनो भैया, आप कह रहे हो 5 हजार रुपए 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है? 5 लाख रुपए आप तक अभी आपका मीडियम क्या है? आपका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है। आपने फीस कहाँ पे भरी है? दृष्टि में 2.5 लाख फीस भरी है? हैं? ऑप्शन भी लिया होगा? ऐसी बात तो है नहीं। तो भैया आपका 5 लाख कहाँ पे खर्च हो गया, आप ये तो बताओ। फीस हो गया भैया? हैं? नहीं तो फीस हो गया ऊपर से 10 से 12 पीजी का हो गया। पीजी का हो गया? सुनो 3500 रुपए का रूम लेके यहाँ पे गोपालपुर में मंदिर रहते हैं, ठीक है? आप सुनो जो बात है ना वो हकीकत बताया करो, क्यों खाली पीजी? सुनो सुनो कोचिंग को बदनाम मत करो। अच्छा आईपीएल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैडम हमारे दिल्ली पुलिस के नाम के, दिल्ली पुलिस में? हाँ, कॉन्स्टेबल के लिए। कॉन्स्टेबल के लिए? तो अभी कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं? कॉन्स्टेबल का मैडम पहला ही अटेम्प्ट होगा हमारा, तो अभी पहला अटेम्प्ट होगा। क्या लग रहा है, प्रिपरेशन पूरी हो रही है? पढ़ाई कर रहे हैं? कितना पढ़ रहे हैं? 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं जी। और आप सर कितना पढ़ते हैं? मैं तो शुरुआत करी अभी तो 1 घंटे 17-17 घंटे पढ़ रहे हैं। 16 घंटे? अरे नहीं मैडम मैं ऐसी बना रहा हूँ, वो पढ़ रहा है 16 घंटे। तो आप तो बहुत 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं। 2-3 घंटे? देखिए लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि यूपीएससी और तमाम सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काफी समय लगता है। आप भी क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं? और आप भी अगर मुखर्जी नगर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में अपनी तमाम सवालों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मुखर्जी नगर में आप आए हैं तो ये माहौल आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।